तो आप लोग सभ्य समाज से हो, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। अगर कोई व्यक्ति, हमारी महिलाएं किसी तालाब में स्विमिंग पूल में नहा रही हो और कोई व्यक्ति उसके कपड़े उठा करके पेड़ पे चढ़ जाए और उनको कहे थोड़ा सा और बाहर आओ, थोड़ा सा और बाहर आओ, तो आज संविधान के हिसाब से उसको कौन सी दफ़ा लगनी चाहिए? अपराधी है। और उसकी उसकी जो कथावाचक है, उसकी जो कथा करता है देवकी नंदन ठाकुर, मैं तो उसको कथावाचक नहीं, भांड कहूँगा ऐसे लोगों को। ये भांड है, ठीक है, ये गलत लोगों का अच्छाई से प्रचार कैसे करते हैं वो काम करते हैं। और जहाँ तक मंदिरों में जाने की बात है, बाबा साहब ने हमें पहले ही कहा था कि इनके परिवार, इनके घर, इनके पेट हमारे मंदिरों में जाने की वजह से, चंदा देने की वजह से बढ़ेगा, है ना। तो हमें तो मंदिरों की वैसे जरूरत नहीं है, हमारा भगवान कोई है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। ये तो और अच्छा काम है ये हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं। और मैं तो SC ST OBC माइनॉरिटी के सब लोगों को कहूँगा कि इनके मंदिरों में, इनमें मठों में जाना बंद कर दो, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब आप देखो ना केरल में कितनी बड़ी त्रासदी हुई है, अगर एक बालाजी अपना दे देता पैसा तो दूसरा हिंदुस्तान बस जाए। ये लोग सिर्फ इस देश को लूटने के लिए आए हैं, मैंने कहा ना आपको, ये प्रवासी भारतीय हैं सारे के सारे लोग। और जहाँ तक एट्रोसिटी एक्ट की बात है, ये एक्ट हमें बाबा साहब ने दिया। एट्रोसिटी का मतलब ये है, आप एक चीज़ चले जाओ, रेप केस में चले जाओ, ठीक है, वो भी तो लोगों के खिलाफ लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन जो गलत करता है उसके खिलाफ है। और मर्डर केस है, आप मर्डर में कोई मर्डर करेगा तो उसके खिलाफ है, वो भी तो लोगों के खिलाफ है, उसके खिलाफ क्यों नहीं जाते? एट्रोसिटी एक्ट किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, पहली बात तो ये। एट्रोसिटी एक्ट उन लोगों के खिलाफ है जो लोग उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार करते हैं और जो लोग समाज का शोषण करते हैं, उन लोगों के लिए एट्रोसिटी एक्ट है। और ये देवकी नंदन ठाकुर जैसे पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे, इनकी औकात नहीं है हमारे लोगों से लड़ने की भिड़ने की, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूँ देवकी नंदन ठाकुर को, आ जाए जहाँ पर कहेगा लो मैं आता हूँ, है ना। ये गलत है बिल्कुल, ये लोग समाज को, हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था, साहब काशीराम ने भी कहा था कि जब 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 ये ब्राह्मण रोड पे उतरेगा तो सोच लेना इनकी सत्ता खतरे में है। आज ये रोड पे है, क्या मजबूरी है कि रोड पे है, क्योंकि इनकी सत्ता खत्म होने वाली है। और ये सत्ता किन की वजह से? हम लोगों की वजह से है। अब हम लोग पढ़ गए, लिख गए, बाबा साहब को समझने लग गए, आज देश में बहुजन समाज बहुत मजबूत है। और बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियाँ, चाहे SC ST OBC की हैं, वो मजबूत हो रही है। इनको वो दर्द है, इनको दर्द मंदिरों में जाने से नहीं हो रहा, इनको किस चीज़ से दर्द हो रहा? इनको दर्द हो रहा कि हम लोग पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हम लोग विधानसभाओं में जा रहे हैं, हम लोग अच्छे कपड़े पहन के खड़े हैं, आज हमारे पत्रकार लोग तैयार हो गए, आज हमारे IAS अफसर तैयार हो गए, हर फील्ड में हमारे लोग तैयार हो गए। और अभी तो 60-70 साल बर्दाश्त नहीं हुआ, इन लोगों ने 5000 सालों से हमारे शोषण किया, हमें तो पूरे 100 साल में इनके बराबर, इनसे ऊपर चले जाएंगे हम लोग, इस देश के असली मालिक है। इन लोगों को यही बर्दाश्त नहीं होता। और मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग अच्छे कपड़े पहने, वो भी इनको पसंद नहीं है, ये अफसर और वो सारी चीज़ें तो हमें कैसे देखना चाहते हैं। ये लगातार एक्ट की बात करने की बात करें तो एक्ट, ऐसा नहीं लगता कि एक्ट एक बहाना है, असली तो आरक्षण है। देखिए, ये आरक्षण की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो हम लोग गाँव से बाहर नहीं आते। और एक सबसे बड़ा षड्यंत्र बताऊँ मैं आपको, एक नरेगा योजना चली थी, आप लोगों ने सुना होगा, नरेगा जो गाँव में काम मिलता था गरीब आदमी को, वो सिर्फ इन दलित पिछड़ों के लिए थी। बाबा साहब ने कहा था ना गांव छोड़ दो शहर में आ जाओ, तो इनको गांव तक रोकने के लिए नरेगा योजना चलाई गई। ये इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं, एक एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से आपका आरक्षण, आपका एजुकेशन में, आपके हर रास्ते को रोकने की ये लोग तैयारी किए। ये तो हमें जब रोक लेते हैं जब हम लोग गर्भ में होते हैं, आज तो हम गर्भ में हैं जब हमारे पीछे पड़े हुए लोग। और जिस दिन हम लोग असलियत में बाबा साहब के अनुयायियों की तरह पैदा हो गए और हमारे समाज के नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समाज की दलाली बंद करना शुरू कर दिया, तो आप देखो समाज की तस्वीर बदल जाएगी, ये देश हमारा होगा, कब्जा हमारा होगा। और आप एक चीज़ और देखो, जितने भी ये हिंदू संगठन है, जब जब चुनाव आता है ये सारे लोग लग जाते हैं BJP की सरकार बनाने में, और जितने हमारे संगठन हैं वो सारे लग जाते हैं समाज की दलाली करने में। तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आप लोगों को, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगली बार 2019 का टारगेट कर लो, चाहे कोई जीते चाहे ना जीते, आप लोग ईमानदारी से अपने समाज की पार्टी को वोट देना, इन लोगों को वोट मत देना, इनकी औकात पता चल जाएगी इन लोगों को। और ये तो अच्छा है, जो लोग बाबा साहब इतने दिनों से, साहब काशीराम नहीं समझा पाए, BJP ने 4 साल में समझा दिया है, अखिलेश बाबू को भी पता चल गया कि हम लोग पिछड़ी जाति के हैं, है ना, सबको पता चल गया कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब पता चल गया तो इसका समाधान भी आप लोगों के पास है, एक बहुत बड़ा अधिकार बाबा साहब आपको दे के गए हैं वोट का, उसे सही से इस्तेमाल करना इस बार। और मशीनों में अगर गड़बड़ हुई तो दिक्कत तो हो सकती है, अब BJP को ही दिक्कत है और किसी को दिक्कत है नहीं मशीन हटाने में, तो आप लोग देख लो, हम लोगों को सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी पड़ेगा। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, गोरे अंग्रेज गए थे, काले अंग्रेज आ गए,
इनको कैसे भगाओगे वो आप लोग तय करना। प्रतिनिधित्व की बात आती है तो प्रतिनिधित्व ऐसा कुछ लगता है आपको, कोई ऐसा देश में प्रतिनिधित्व है? देखो बात करेंगे, मैं बताऊँ आपको, देश में प्रतिनिधित्व सिर्फ एक है ना, बहन जी मायावती, ठीक है, मायावती के अलावा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि इनको डर ही यही है कि मायावती, जो आज सोनिया गांधी ने भी अपराध किया उनका है, सारा देश उनको नेता मान रहा है, विपक्ष नेता मान रहा है। मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, एक बार 2019 सबको दिया ना आपने, राम राम वालों की सरकार बनाई ना आपने, राधे राधे वालों की सरकार बनाई ना आपने, एक बार जय भीम वालों की सरकार बना लो। और जय भीम का नारा अगर इस देश में मजबूत है तो साहब काशी राम की वजह से मजबूत है, और कोई वजह नहीं है। और साहब काशी राम की जो उत्तराधिकारी है वो बहन कुमारी मायावती जी है, और हमारी नेता कोई है तो बहन जी है, और बहन जी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। 5 साल आजमा के देख लो, आप भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी यहीं हैं, तुम्हें नहीं अच्छा लगे तो बदल देना, लेकिन हाँ गारंटी देता हूँ मैं, अगर एक बार बहन जी को आपने प्रधानमंत्री बना दिया तो इस देश के संविधान को 100 साल तक भी ये ब्राह्मण और ये जो कनिंग मानसिकता के लोग हैं देख नहीं पाएंगे ऊंची नज़र से, ये मैं आपको आश्वासन दिला। नहीं नहीं मेरा उद्देश्य चुनाव चुनू है ही नहीं, नहीं तो मैं ऐसे बोलता ही नहीं, मेरे जैसे लोग तो किसी पार्टी को पसंद नहीं होते, लेकिन हाँ मैं बीएसपी के लिए काम करूँगा, हमें हमारा उद्देश्य ये है कि बीएसपी में बहन जी जो है ना देश की प्रधानमंत्री बने, हम लोग बाद में देख लेंगे, कल रख रख लग जाएं कहीं नौकरी कर लेंगे। देखिए नेतृत्व तो हमारा होना चाहिए, प्रधानमंत्री बहन जी होनी चाहिए, वो चाहे गठबंधन करके लड़े चाहे कैसे भी लड़े, हमें उनके ऊपर विश्वास है और हम उनके साथ खड़े हैं। ये जो बरगलाने की बातें होती हैं, फलाना ये आ गया कि जी ये हो जाएगा जी वो हो जाएगा, जब इस देश का मुखिया हमारी बहन जी होंगी तो निर्णय भी वही लेंगी, नीचे वालों को तो अपने आप देख लेंगे हम एक बार। और मैं तो ये कह रहा हूँ बहुजन समाज के लोग सारे बीएसपी को वोट करो, चाहे वो जीते चाहे ना जीते, तुम लोग कसम खा लो, तुम्हें बाबा साहब की कसम है, अगर तुम लोग इस बीएसपी को वोट नहीं करते तो तुम्हें जो है ना, मुझे नहीं पता नरक स्वर्ग क्या होता है, लेकिन इस धरती पे ये भाजपा के कांग्रेस के लोग नरक दिखा देंगे आपको।